सोशल मीडिया के इस जमाने में एक हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन रखना काफी मुश्किल होता है। कुछ गलतियों की वजह से आपके मौजूदा रिश्तों पर भी इसका काफी बुरा असर पड़ता है, खासतौर पर शादी जैसे नाजुक रिश्तों पर। आज हम आपको सोशल मीडिया से जुड़ी कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके रिश्तों को कमजोर कर रही हैं। इन गलतियों पर ध्यान देकर आप इन्हें सुधार सकते हैं। ओवर शेयरिंग, सोशल मीडिया पर पार्टनर की इजाजत के बिना लगातार रिलेशनशिप पर्सनल लाइफ के बारे में चीजें शेयर करने से आपके रिश्तों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया पर यह सब शेयर करना पसंद हो, लेकिन सामने वाले की पसंद और नापसंद भी मायने रखती है। जरूरी है कि आप अपने पार्टनर की प्राइवेसी का सम्मान करें, साथ ही सीमा में रहकर कोई भी चीज सोशल मीडिया पर शेयर करें। सार्वजनिक तर्क यानी पब्लिक आर्ग्यूमेंट, अपने आपसी झगड़े को सोशल मीडिया पर सबके सामने लाना आपके रिश्तों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इससे सिर्फ आपके रिश्तों की कड़वी सच्चाई समाज के सामने आएगी, साथ ही आपसी झगड़े सोशल मीडिया पर शेयर करने से लोगों को जज करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आपसी झगड़ों को अकेले में ही सुलझाए। रिलेशनशिप की तुलना करना, सोशल मीडिया पर कपल्स को देखकर अपने रिलेशनशिप की तुलना उनके साथ करना आपके रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल सही नहीं है। कई बार सोशल मीडिया पर आपको जो भी दिखते हैं उसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है। आपको सिर्फ उस फोटो या पोस्ट का एक पहलू ही नजर आता है, लेकिन दूसरे पहलू से हर कोई अनजान होता है। ऑनलाइन बातचीत को अनदेखा करना, बहुत से लोग पार्टनर्स के साथ समय बिताने से ज्यादा सोशल मीडिया या फोन पर समय बिताते हैं। इससे आपके और आपके पार्टनर के बीच धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगती है। जरूरी है कि आप सोशल मीडिया पर टाइम बिताने के बजाय अपने पार्टनर से ज्यादा बात करें और उनके साथ ज्यादा समय बिताएं। फ्लर्ट करना, सोशल मीडिया पर दूसरों के साथ फ्लर्ट करना और किसी के पोस्ट पर रोमांटिक रुचि दिखाने से आपके रिलेशनशिप पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। इससे पार्टनर का आपके ऊपर से भरोसा खत्म हो सकता है। ऐसे में अपने रिश्ते को बचाने के लिए जरूरी है कि आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपके रिलेशनशिप खराब हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्यावरण पोस्ट।